लेनिन बाबू के मर्डर केस में ये कोर्ट आरोपी सत्यनारायण उर्फ रॉयल सत्या को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। आशीर्वाद दीजिए। 25 सालों से आपके पीछे खड़ा हूं, दो बार एमएलए भी बना हूं, आधी संपत्ति बेच दी। सुना है कि इस बार लॉ मिनिस्ट्री हमारी है, आपका आशीर्वाद हो तो
कानून की नैया मैं भी पार लगा दूं। ऐसे बेशर्मी से मांगने वाला ही राजनीति में ऊपर आता है ना मधु? आपको हर कुत्ते की पहचान है। लेकिन मेरी तरह मुंह पर ना बोलने वाला ही हमेशा ऊपर रहता है। इस बार मिनिस्ट्री मेरी बेटी की है, तुम भूल जाओ। आखिर उसने अब तक किया ही क्या है? हाँ, दो बार शादी की, दो बच्चे पैदा किए और एक को छोड़ दिया। अपने बड़े बेटे को क्यों छोड़ा उसने? आखिर वो कहाँ है, क्या कर रहा है? अगर मैंने प्रेस के सामने पूछ लिया ना, तो आप हेडलाइंस में होंगे और मैं कैबिनेट में। उसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना भी तो जरूरी है। मैं वैरा वसुंधरा ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के कानून मंत्री के रूप में बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के संविधान और विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। कागजात तैयार करवाया है क्या पाणी? जी हाँ सर। पच्चीस साल बाद अब उसे छेड़ना जरूरी है क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैडम ने आपसे कुछ पूछा कि उनका पहला बेटा कैसा है, ऐसा कुछ? मुझे अपने नाती की बहुत याद आई, इसीलिए बुला रहा हूँ। आप उसे गोद में उठाने की सोच रहे हैं? 6 फुट 1 इंच का है। नाम तो रमणा है, पर छूने में गुंटूर मिर्च है वो। सच कहूं तो बेताज बादशाह है, गुंटूर मिर्च और लोडिंग ट्रक्स की दुनिया का। इस वक्त वो अपने इलाके में तलवार और लाठियों के बीच बल बढ़कर अच्छे फॉर्म में है। हमें अपनी कब्र नहीं खोदनी चाहिए सर। वो वहाँ राजा होगा, लेकिन यहाँ बेटा है, संभाल लेंगे, बुलाओ। उसे घर बुलाऊं क्या सर? घर पर बुलाएंगे तो उसके जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। ऑफिस में बुलाओ, काम खत्म होने के बाद हम खुद ही निकल जाएंगे। ठीक है सर। ओके। क्या बेटा? ओ नानू, कहाँ तक हुआ तुम्हारा? मैंने अभी ब्रेकफास्ट खत्म किया है, कॉफी भी यहाँ पी ली है। बस थोड़ी ही देर में माँ के सरकारी कार्यालय के लिए निकल रहे हैं, ठीक है ना? या बाय नानू। इन हालातों को देखकर आपको लगता है उसे बुलाना जरूरी है? इसे देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी है। कौन है पापा? वो लॉयर पानी 10 दिन से फोन पे फोन कर रहा है कि रमणा हैदराबाद आ रहा है क्या। एक बार तुम जाके पूछो ना। मैं तो नहीं पूछूंगा, भैया गुस्से वाले हैं, वो चिल्लाएंगे। तो फिर 10 साल की उम्र में उसकी माँ ने छोड़ दिया तो खुश कैसे रहेगा? वो उसका गुस्सा नहीं, दुख है, गुंडूर की मिर्च। देख, दिखने में लाल और तीखा, लेकिन जुबान पर लगते ही आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये ऐसा ही है, बाहर से तीखा लेकिन अंदर से मीठा। तो आप ही पूछ लो, पता चल जाएगा। क्या पूछेंगे? उसकी माँ उसे बुला रही है, उसे भेजना और रोकना दोनों ही गलत है। बीच में मैं फंस गया हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? 3 लोड की मिर्च पड़ी है। नेरली का रास्ता अच्छा है, वहीं से जाना। माल उतरने के बाद फोन कर देना, ठीक है? और हाँ, आधी रात हो चुकी है इसलिए कॉल नहीं किया। ये सब बहाने नहीं चलने वाले, वरना एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा। चलो चलो, निकलो निकलो, चलो। क्या वही पानी पूछ रहा है तुम हैदराबाद के लिए निकले या नहीं? जाऊं क्या? हाँ, नहीं कह सकता क्योंकि वो ठीक लोग नहीं है, लेकिन तुम भी तो कुछ कम नहीं हो। आपने क्या बोला, हाँ या ना? बोल पाता तो इतनी देर बात थोड़ी टालता। ए संभा। जी भाई। अब ये मुझे पहचान पाएंगी क्या भाई?
डीजल तो है ना गाड़ी में? टैंक फुल है भाई। एड्रेस क्या है? एबिट्स जनरल पार्टी ऑफिस हैदराबाद। कह रहा था किसी से भी पूछ लो। पेपर रेडी है? स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? पति को तलाक देकर बच्चे को छोड़ दिया, दूसरी शादी करके एक बच्चा पैदा किया, यहाँ तक कि पहले बेटे को जायदाद से कुछ लेना देना नहीं है। इसने इतनी गलतियाँ की और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक देख रहे हैं। रमणा नाम है इसका, इसे सबको दिखाना। इतने सालों से इसे किसी ने देखा नहीं? मिस्टेक होगी, ये कोई मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। अरे रे, ये अभी भी ना, ला मुझे ले। ऐसे क्या देख रहा है, मारेगा क्या? सोच रहा हूँ जान से मार दो तो कैसा रहेगा। ओए होए 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 सर सर, बेटा बेटा यहाँ इस तरह। चाय कॉफी? हाथ में कप है क्या? पेपर ही तो लाया हो ना, पेन तो साइन कर देता हूँ। साइन करने से पहले पढ़ लीजिएगा प्लीज। तुझे तो मार देना चाहिए। अरे बेटा इसमें कुछ गलत थोड़ी लिखा है। जायदाद में हिस्सा नहीं मांगोगे क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है। माँ का नाम नहीं लगाओगे क्योंकि पिता का नाम तो है ही तुम्हारे पास। इन शॉर्ट परिवार से कोई लेना देना नहीं। और इतने सालों से था ही कहा, इसमें बस यही सब है। तो पति को छोड़ दिया तो तलाक, बेटे को छोड़ा तो क्या कहेंगे? कुछ नाम है क्या उसका? अगर है तो माँ खुदा के बताए, तब एक क्या हजार बार करूंगा। अब वो माँ थोड़ी है उसकी, चाहिए तो टीवी में जब आएगी तब देखने के लिए कह देना। उसकी माँ नहीं है, ना ही आने वाली है, जाकर बोल दो। अगर नहीं माने तो तबाही 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 मचा दूंगा। उससे कहना तबाही को बोल्ड में याद रखे। ऐसा तीखा बोलने से शायद वो साइन ना करे सर। मैं कह रहा था कि उसे यहाँ बुलाकर उकसाना जरूरी है क्या? अगर उसे पता चला कि जरूरत हमारी है तो सर पर चढ़ जाएगा। उसे दूर रखकर ही काम निकलवाना है। हाँ। जब हम वोट मांगते हैं तो झोपड़पट्टी में भी घुस जाते हैं, लेकिन
लेकिन जीतने के बाद उन्हें हमारे घर के अंदर आने देंगे क्या? ये भी ऐसा ही है। वो अपनी माँ को देख पाएगा, मिल पाएगा, उसे उसी भ्रम में रखकर काम करवाना पड़ेगा। जाकर बोल दो वोट के बारे में सर, उससे पहले जो बताया वो। ठीक है सर। छूने में गुंटूर मिर्च है वो।
चाहे ये मन। नीचे क्यों आई? आपकी बीवी को सुनाई नहीं दिया। दरवाजे तक आ गया है तो अंदर भी आ जाएगा। दरवाजा बंद कर दो, जहाँ जाना जाएगा। क्या बात है बेटे, काम कैसा हुआ? चौका या छक्का? आउट हो गया। मुझे लगा तो आधा बेवकूफ है, लेकिन तू तो पूरा ही निकला। कहाँ क्या बोलना है पता नहीं है क्या? हट। माँ कैसी है तेरी, कुछ बदली है नहीं? मंदिर की देवी की तरह चमक रही है। तो दिया जला के आरती उतार देता। माचिस खत्म हो गई थी। बीड़ी पीने के लिए तो माचिस मिल जाती है तुझे। छोड़ो ना, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया? तेरे लिए पकवान बनाऊंगी क्या? अंडे रखे हैं, करी बना देती हूँ। छोटी बुआ, वो अंडे इधर ही रख दो, खा लूंगा। क्या हुआ? तुझे तो एक आंख से दिखाई नहीं देता, इस काले चश्मे से तकलीफ नहीं होती? छे, मेरा स्टाइल देखकर जलती हो। तेरा हालचाल पूछा उसने? हाँ, मुझे देखते ही रो पड़ी। सच में? कहा कि तेरे बुआ की तरह अंडा नहीं, पूरी की पूरी मुर्गी खिलाऊंगी। रुक जा। तो रुक जाता। अच्छा, तुम्हें चिंता ना हो, इसीलिए आ गया। ए, ऐसे परोसते है क्या? बढ़ता हुआ बच्चा है, तू खा। अंडे खिला के मार दोगी क्या? तेरी माँ की तरह तुझे छोड़ तो नहीं सकती ना। ए, उसे बोलने तो दो कि क्या हुआ, तब से तुम ही बोलने जा रही हो। ये साल में एक बार बात करते हैं, लेकिन वो तीर की तरह चुभती है। मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि उन्हें मेरी याद आई है। साइन करना था कि हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए बुलाया मुझे। ए संभा। जी भाई। कह रहे हैं कि जायदाद नहीं मांगी है। इतने सालों से कभी मांगी है क्या? बेटे से मिलना मुमकिन नहीं है, पर दरवाजे बंद करके ऑफिस में बैठी रहेंगी। हाँ, वो जब उतनी बिजी है तो मैंने भी दस्तखत नहीं किए। सुनिए सत्यम साहब, जाकर ग्रामोफोन में अच्छा सा गाना लगाइए, जो बिना बीवी का पति और बिन मां के बेटे पे अच्छे से सेट हो जाए। समझ नहीं आ रहा, ये घर में अंडे मुर्गियां दे रही हैं या तुम लोग? डोसा अच्छा नहीं है सर। मूड अच्छा नहीं है पानी। अरे रे, ये काटा मधु कभी भी धोखा दे सकता है। सही कहा सर। अच्छा, वो साइन क्यों नहीं कर रहा? माँ की वजह से। तो इस बार उससे कहना कि उसकी माँ ने बुलाया है। संभाल के उतारो, गाड़ी चढ़ा दो। हाँ, संभाल के। हाँ, कर लो। आगे जाओ, आगे ले जाओ। ए, मैं सोडा पीता हूँ क्या?
सॉरी रमणा, तुम तो पानी पीते हो ना, अभी लाती हूँ। मामा मामा मामा, वो पानी है, ये लो सोडा। एक मिनट, अभी आई। ए, मैं ऑमलेट खाता हूँ, भूल गई। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? क्या प्रॉब्लम है? कल हैदराबाद से कॉल आया था, इस बार घर पे बुलाया है। वहाँ आपका बेटा पूरी बोतल खत्म कर रहा है मामा। मेरी वाटर लाने के पहले ही क्वार्टर पी गया। ऑमलेट लेट होता तो मुझे ही खा जाता। उससे मत कहना कि मैंने बताया मामा, नहीं तो मुझे मार डालेगा। अरे रमणा, पी रहे हो क्या? हैदराबाद से फोन आया। बात क्या है? नाते से तो मिल लिया, इस बार बेटे से मिलना है उन्हें। फिर जाओ। क्या करूं जाके? दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं। तो जाके दरवाजा तोड़ दो, तुम्हारा हक बनता है। ऐसा है क्या? आप खुद सिर्फ खिड़की से देखते रहेंगे, लेकिन मुझे दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं। खाने को इनकार करोगे तो सिर्फ एक दिन भूखे रहोगे, लेकिन माँ को इनकार किया तो जिंदगी भर रोते रहोगे। माँ ने तो छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे वहां पहुंचते ही गले तो लगा लेंगी ना वो। क्या तुम जा रहे हो या नहीं? यहाँ सब अपना है, मेरा नाम सुनते ही सब कांपते इधर। सर, मैं तेरा कोई नाम नहीं है क्या? मेरा नाम बालू है सर। ये पानी जी का घर है सर। सुन, अच्छे से लेना, ठीक है? देखते ही सब पागल हो जाने चाहिए। और वो पानी जी की बेटी है। आज का स्पेशल हमारा होम टूर, ये हमारा पेड़ है। दीदी वो पौधा है। अरे मुझे ही नहीं पता, तो किसे पता चलेगा? तू चुप रह। कल हमारे पिताजी का मृत्यु दिवस है। वो दादाजी की है। पापा का भी कुछ था ना? जन्म दिवस है। दोनों दिवस ही है ना? माँ कसम, पानी की बेटी तो आ गए। आ गए। ये आपके पिताजी से मिलना है। वो घर पे नहीं है। हम तो रहेंगे। तो ठीक है, आप यहीं रहिए। अरे सुनो तो, जरा मेरा रंग तो देखो, इस धूप में काला पड़ जाऊंगा ना। ओ सच में? एक मिनट। हाँ फूल हो ना तुम, बालों में लगा लो फिर। हाँ? क्या तुम सारी लड़कियों से इसी तरह से बात करते हो? सिर्फ सुंदर लड़कियों से। क्या काम है? तुमसे नहीं, तुम्हारे बाप से। बाप क्या होता है, इज्जत देना नहीं जानते? लगता है गुस्सा आ गया। देना तो चाहता था, उसी ने मना किया। हे भगवान, हरा रंग काफी जच रहा है इस पे। ये क्या दीदी, ये तो खुले आम लाइन मार रहा है। स्मार्ट है इसीलिए चुप हूँ, वरना। क्या बाला सुब्रमण्यम सर, तेरा नाम जान के क्या करूंगा मैं? आप मुक्ता मालियोदा सर, प्यार से आप मोदा बोलते हैं। तू क्यों प्यार से बुलाएगा? मैं बुलाऊंगा ना, उसकी भी आजादी नहीं है क्या? ले लीजिए सर। वैसे ये साड़ी में क्यों है, कोई ओकेजन है क्या? सोशल मीडिया पर रील्स बनाती रहती है। कल जींस पहनी थी, आज साड़ी। तो कल स्कर्ट पहनेगी क्या? क्यों सर? फिर से आने के लिए? कल तो मेरी छुट्टी है। मम्मा मम्मा, ये वही है। इनके घर में कभी चोर घुसे थे क्या बालू? किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहे, मेहमान को चाय तक नहीं पूछी। ऐसा कुछ नहीं सर, पहली बार किसी लफंगे को देख रहे हैं ना। सॉरी सर। हाय, पहले मैंने क्या कहा था? आपने कहा था पानी की बेटी आग है सर। सिर्फ आग ही नहीं, आग का कूलर है। बेटा पानी तुम्हारे बारे में बात करी नहीं, इस तरह बाहर क्यों बिठाया? कल नहीं है तुझे? बेटा चलो अंदर चलकर कॉफी पी। पानी? हाँ। माँ ने ही बुलाया ना। कसम से बेटा। तो कॉफी भी वहीं पीते चलो। बहुत अच्छा, कार रिवर्स करता हूँ, आ जाओ। अम्मा
रमणा नाम याद रखना, गुंटूर आओगी तो काम आएगा। तुम्हारा पेट नेम भी रख दिया इसने तो। मचा दूंगा। क्या इसने कहा कि मैं इंतजार करूंगा? तूने लिखा क्या? तूने कहा क्या? तुझे पता है कि मैं झूठ बोलूंगा? तुझे भी पता है कि मैं कवर कर रहा हूं। तेरा चाचा लगता है मेरी बेटी का दूसरा शोहर ना। बॉस तुम बुरा ना मानो तो कुछ पूछो क्या? प्लीज, मेरी माँ ने क्या देखा तुम्हें? नानू, ये विरोधकर्ताओं को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके सवाल का तुम्हारे पापा विरोध कर सकते हैं। ये कौन है? इस घर का और हमारे क्षेत्र का एक लौता वारिस है। ये कौन है? भाई लगता है। तुम जाओ। अबे कहाँ जा रहा है मुंह हिला के? बड़ों को नमस्ते करना किसी ने सिखाया नहीं है क्या? नमस्ते। अच्छा, अब तू और तेरा आधा नमस्कार। इसका मैं विरोध करता हूं और मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। चल निकल। सारे कैरेक्टर्स तो आ गए, असली कैरेक्टर मैडम जी कहां है? कमरे में बंद कर दिया है क्या? पहले साइन कर, वो आ जाएगी। पहले आने के लिए बोल, साइन कर दूंगा। जब ऑफिस आया था तभी चार्ज शीट कर देना चाहिए था। तेरी औकात नहीं है उतनी। ए, ए! क्यों चिल्ला रहा है? सुन सकता हूँ मैं, बूढ़ा है, तुझे ही सुनाई नहीं देता। मुझे चिल्लाना होगा। किसे बूढ़ा कह रहा है? किसे? किसे बूढ़ा कह रहा है? बूढ़ा किसे? बूढ़ा नहीं है, ये साबित करने के लिए उठ के नाचेगा। पढ़ूं क्या? साइन करना है क्या? अपने फैंस के अलावा मैं किसी को ऑटोग्राफ देता नहीं हूँ। सुपर। दवाई की जरूरत नहीं है लगता है, एकदम से खांसी भी रुक गई। क्यों परेशान करें, आप ही साइन कर दीजिए ना। यहाँ एक लव स्टोरी चल रही है, वो वन साइड है या टू वे पता तो चले, तब तक साइन वाइन नहीं। जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि उससे बात करना ही नहीं चाहिए आपको, यही ठीक रहता सर। 25 साल पहले जब आपकी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया था तो आप भी छोड़ देते, रिश्ता ही खत्म। इतना काफी नहीं है, उसे ये भूलना होगा कि वो उसकी माँ है, या भूलवाना होगा,
इसीलिए उसे साइन करना होगा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तब नाती का रास्ता साफ और वो एमपी बन जाएगा। तब रमना होगा गुंडूर का और मधु आउट ऑफ पावर। सर आप उससे डायरेक्टली साइन क्यों नहीं करवा लेते? मेरी फजीहत क्यों करवा रहे? क्योंकि पाणी इस वेंकट स्वामी को ना सुनने की आदत नहीं है। जिन्होंने ना करने की हिम्मत की खाता हूं। आए सर। अरे बालू तुम लोग यहाँ कैसे? ए सांबा। हाँ भाई। मैंने बताया था ना पानी की बेटी है। मेरी याद आ गई क्या? तुमने तो कहा था रमणा नाम याद रखना, गुंटूर आऊंगी तो काम आएगा, इसीलिए। अरे याकूब। जी साहब। मुझे शर्म आ रही है, जाके तीन चाय ले गया। परसों साइन की वजह से बुढ़े ने वो साले पानी को इसके बाप को मार दिया होगा ना? बेचारे काफी तकलीफ में है सर। मर गया क्या? अभी तो नहीं, लेकिन पापा, ओ जी, आप क्या मां को मत रोइए। आप ऐसे रो क्यों रहे हो पापा? काम के साथ साथ अगर मेरी जान दी जा रही है तो रो नहीं तो क्या हंसू मैं? ये नौकरी नहीं तो दूसरी मिलेगी, तुम लोग फिक्र मत करो। लॉ मिनिस्टर के ऑफिस से निकाले गए लॉयर को कोई नौकरी देगा क्या? आप चिंता मत कीजिए। छींकने के बाद ये और भी लाल लग रही है, बड़ी नासुक है सर। कहाँ बैठे रहे हो? स्टार होटल। यहाँ तो कोई स्टार होटल नहीं है। एक्चुअली नाम के लिए स्टार होटल है पर है वो लॉज। लॉज में ऐसे माल के साथ मुश्किल हो जाएगी। मैं वो तारीफ कर रहा था। पापा की जॉब, मंथली ईएमआई, मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती रमणा। फील ये कर रही है, तू क्यों रो रहा है? यही बात तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। इनके परिवार के साथ इतना लगाव भी नहीं है लेकिन आंसुओं की नदियां बहती जा रही है। देखिए मिर्ची की वजह से आंखों में जलन हो रही हो। अब समझ आया। ये क्या है? एक साइन का सवाल है। बूढ़ाओं ने इसमें क्या लिखा है बताया क्या तुझे? पता है सर, वो एक्चुअली मैंने ही लिखा है। आपको अपनी माँ को छोड़ना होगा, बस इतना ही ना। बोर्डिंग स्कूल में जाने वाले बच्चे की तरह आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। उन्होंने तो वैसे भी आपको बहुत पहले छोड़ दिया था। सही कहा ना? क्या रे, हमसे क्यों नहीं खरीदा बताया इसने? किसी ने हर लोड पर 10,000 का डिस्काउंट दिया। उसका नाम बताया गया इसने? वो जाके पहले खाना खा ले, हाथ धोने से पहले सब कुछ बता देगा। 10 साल से हमसे ही मिर्च खरीद रहा है ना? पूछ लेता मुझसे। बुआ जी, वो ऐसा कह रहा है, अब मैं क्या करूँ? आके पूछना चाहिए था ना, बिल्कुल कमीना है तू। खाने के साथ साथ कारोबार भी अब तुमसे पूछ के करेगा। क्या कहा? कुछ नहीं, मेरा काम तुम कर रही हो ना, तो बस डायलॉगबाजी कर रहा था। बस इतना ही। ये ऐसे बच्चों की तरह क्यों मार रहा है इसे? झापड़ ऐसे लगाऊं कि बीवी के सामने गर्लफ्रेंड का नाम भी मारना चाहे। फोन लाइ। किसी ने रोका है इसे हमसे मैरिज खरीदने से? किसने? अगर उसे हाथ भी लगाया ना तो तेरे हाथ काट दूंगा। कुछ कह रहे थे क्या मामा? वही रुक तू। अगर 10 मिनट में तुझे जिंदा नहीं गाड़ा ना तो मेरा नाम मार्क्स नहीं। इस उम्र में आधार कार्ड, राशन कार्ड सब पर नाम बदलना बड़ा मुश्किल काम है। ए सांबा। हाँ भाई। इसको गाड़ी में बिठा, मार्क्स मामा को हेलो बोल के आएंगे।
गांव चला दिया, मेरे बाप को जेल भेज दिया, तो तेरे बड़े भाई को मार दिया। अरे फिक्र मत करो, लाया हूँ उसको, बदला अभी पूरा नहीं हुआ क्या? आलिया पार करने में खुद ही आ गया। गाड़ी तो लेके आ गया, लेकिन वो कहाँ है? अपनी गलती मान लो तो अच्छा रहेगा, लड़का खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। वो तो खुद आएगा। अबे तुम मेरे माफी मांगने का इंतजार कर रहे हो क्या? तेरी तो शाबाश। मिर्च का धंधा सिर्फ तू ही कर सकता है क्या? हैं? मेरे पास भी माल है, गाड़ियां है, समझा? सत्या की बीवी चली गई, अब बेटा दुनिया छोड़ के जाएगा। आज वो मेरे पांव पड़ेगा, देखता हूँ ये यहाँ से कैसे बाहर जाता है। देर बैठ ली है, चलो अभी लेट जाओ। मामा, तभी से एक सवाल बैठा हुआ है दिमाग में, ये टेंट यहां पर क्यों लगवा रखा है तूने? चल तेरे पैसे हैं, मुझे क्या, ध्यान दे रहा है? ए, अरे कहां जा रहा है तू? लड़के का बाप फोन पे फोन कर रहा है, अरे कहां है वो? बताना मेरे बाप। मामा कान बंद कर। क्या कहा?
हमारी कार पर गिरा छपरा और मेरे सर पर गिरा खपरा। आपकी कार इंश्योर्ड है, मैकेनिक मेरे जानने वाला, वो दो दिन में ठीक कर देगा। और तुम्हारी कहानी क्या है? आपी ने तो कहा था कि मेरे जैसी लड़कियां लॉज में नहीं रह सकती, इसीलिए सब सामान लेके यहाँ आ गए। यहाँ कोई कमरा नहीं है। तुम चुप रहो, बात सुनती हो, तरक्की करोगी। अच्छा सुनो, ऐसे कहीं भी रहना बुआ को पसंद नहीं है। वहाँ सीढ़ियों के नीचे कमरा है, वहाँ पर रह लो। क्या? वहाँ मेरे कपड़े हैं। तेरे कपड़े कहाँ कहाँ नहीं है, उन्हें जला दूंगा ना तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। जला दे, तेरे ही बाप का पैसा है, उसका क्या जाएगा। अब कमरा दे दिया तो जाओ ना। चलो तुझे क्या हुआ? मैं कहाँ रहूंगा? अच्छा तू तू लड़का है तेरा क्या? हाँ सर, कहीं पर भी रह सकता है। जी बिल्कुल, बस कमरों में मत रहना। सर ये बेडरूम है। एग्जैक्टली, और ये मेरी बालकनी है। तो फिर बाथरूम? कहता है घर में करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाकर अच्छे से खेत में करके आ। कौन? और कौन, सबका माई बाप रामड़ा। इसने अभी तक फोन नहीं किया, छोड़ दूंगा तो रिलैक्स हो जाएगी। एक फोटो भेजता हूँ। डैडी है, क्या भेजा उन्होंने? घर जाते वक्त ही लेके जाना है क्या? साइन नहीं करवाया तो वो फांसी लगा लेंगे। पंचायत कहेंगे, वो नहीं करने वाला। वो लोगों को फाइन करेगा लेकिन खुद साइन नहीं करेगा। रामू, खिड़की खोलनी थी, वो अटक गए। एक बार देखो ना। क्या कह रहे उसने? कमरे की खिड़की को। उससे पहले रे रामू, अभी तक ये पता ही नहीं था कि मेरा नाम इतना सुंदर है। रमणा को रामू बोल सकते, ये बात मुझे पता ही नहीं थी सर। सुनो, कुछ पूछ सकता हूँ क्या तुमसे? बुरा मत मानना। ये फटी हुई पहनते हैं या पहन के फाड़ते हैं? It's ripped jeans, रामू। नॉर्मल जीन्स से तो महंगी होगी ना। आपको कैसे पता सर? कहाँ कहाँ फाड़ना है, कितना दिखाना है, उसकी तो बात ही अलग है। अच्छी नहीं है, जलवा लग रही हो। उस दिन पानी की बेटी के बारे में क्या कहा था बालू? पहले तो आपने आग कहा था, उसके बाद आपने आग का शोला कहा था। सिर्फ शोला ही नहीं, बॉम्ब का गोला है ये। मैं नोट कर लूंगा सर। कपड़े सुखा दिए क्या? जस्ट अभी भाई। खाना खाया? किसी ने पूछा ही नहीं सर। अपने ही घर में क्यों शर्मा रहा है? समझ गया सर, जा बाहर जाके खा ले। देखिए मैडम, आपको मिनिस्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। मेरे 5 साल पुराने डबल मर्डर केस पर कमीशन बनाने के लिए नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं अब वो हरिदास नहीं हूँ जो कभी आपके बाप का पार्टनर था। उस कहानी को अब भूल ही जाइए। अब क्या आप मुझे बुलाकर केस करके इंक्वायरी करके जेल में डालना चाहती हैं? स्टेट में आग लगा दूंगा। अब क्या इंक्वायरी के लिए दास को बुलाएंगी? आपका अपॉइंटेड जज ऑफिस नहीं पहुँचेगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपके लिए आलोक साहब का मैसेज आया है। किसी कारण की वजह से उन्होंने अपना नाम हरिदास कमीशन से विड्रॉ कर लिया है। क्या है ये? एक जज जाएगा तो एक हफ्ते में दूसरा आ जाएगा, मिनिस्टर जाएगा तो 10 दिन में कोई और आएगा, मगर हरिदास जेल में गया तो समझ लो बाहर आने के लिए उसे 20 साल लग जाएंगे। खामखा उससे क्यों फिरती हो? मेरी बात सुनो,
नीच लोगों के भी कुछ उसूल होते हैं, उसके नहीं। उसके उसूल जो है ना, मैं अपने उसूलों पर रहूंगी। नारायण बोलिए, ये बात दास को कैसे पता चले कि जज यहाँ आ रहा है? अरे उसमें क्या है पापा जी, हमारा डाला हुआ कमीशन है, पता तो चलेगा ही। अनाउंस करने से पहले कैसे पता चलेगा? काटा मधु ने बताया होगा, राजनीति में रिलैक्स नहीं हो सकते। अपने बेटे को तैयार करो, मार रही तो एमपी वरना एमएलए बनेगा। हाँ सर, साइन का क्या हुआ? सर अभी साइन हुई तो नहीं है, लेकिन किधर बालू? वैसे कुछ सोचा नहीं, बस ऐसे ही जा रहा हूँ। ये चश्मा पहन, देखते हैं कितना सुंदर दिखेगा। ओ छक्का, थैंक यू सर। जरा मुंडी उधर का, वाह एकदम चमक रहा है। शर्म आ रही है सर। हाँ मुझे भी। अबे वैसा ही रे, पोज मत चेंज कर। कॉफी वो सब इस्तेमाल नहीं करती? मुझे क्या जरूरत है? सीख लेना। अरे कपड़ों के साथ साथ वो परफ्यूम, वो क्रीम। अरे तू क्यों हिल रहा है? मैडम जी इनको भी थोड़ा सिखाइए ना। अगर बुरा ना मानो तो कुछ बोलो क्या? बोलो ना। वैसे ही आपकी आंखों में हम डूब जाते हैं। ऐसे आईलाइनर और काजल मत लगाओ, वरना हम लड़के तो मर ही जाएंगे। तुम भी नराम। वाह 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 वाह, मुझे अब तक पता ही नहीं था कि मेरे नाम में इतनी मेलोडी है। ये चश्मा हटावे पहले, जेब कतरा लग रहा है, हटा चल। पहले तो झक्कास का था, तभी वो थी ना। लगता नहीं है कि वापस आएगी। अभी पूछोगी ना इंक से कि अपने खून से भी साइन कर देगा? मौका मिलते ही नहीं छोड़ देंगे। यस। ये तो दारू पी रहा है। मुझे दिख रहा है। हाय सर। चोर की तरह चुप चुप के क्या देख रहा है? आपका प्राइवेट टाइम है ना इसलिए। ओ वाओ, कैन आई जॉइन सर? ये स्कूल थोड़ी है कि पूछ के आएगा, क्लास मिला है तो उठा ले। क्या बात है सर, थैंक यू। एक बात तो है, राजी के कपड़े तुम पे ज्यादा जच रहे हैं, बहुत मस्त लग रही है। इस कॉच है सर, मुझे तो लगा कि आप देसी। सर बोतल विदेशी है, दारू तो पूरी देसी है। थोड़ा सा ले। एक बात बता बालू। सर बस बस, तेरा पूरा नाम क्या है? बाला सुब्रमण्यम सर। एसपीबी? जस्ट बी। महापुरुष का नाम है वो। थैंक यू सर। उनका नाम लेके ना सर, एक अच्छा गाना गा दे चल। मेरी पिच में थोड़ी सी दिक्कत है सर। गाने के बीच में क्रिकेट कहाँ से आ गई? वो वाली पिच नहीं सर, क्यों? अबे ये इंडियन आइडल थोड़ी ना है, घोड़ा होनी तो है। कोई दिक्कत नहीं, तू गाना गाना। ओके सर। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? बियर पियोगी क्या? सर आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं सर। एक कबड्डी मैच है क्या? लाइन वाइन क्रॉस करने के लिए? छोटी बच्ची है सर। आजकल के बाहर सब उन्हीं से भरे हुए हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स में डिस्कस नहीं करता। वोडका है क्या? सोडा या पानी? जूस। काफी हेल्थ कॉन्शियस लगती है। अबे याकू। जी सर। क्या हुआ? बचपन में ऐसे इन्हीं हाथों से स्कूल लेकर जाया करता था। कल से बाहर मिलेगी जा। जी जी जी। अरे फीलिंग छोड़ और गाना गा चल। कोई स्पेसिफिक गाना सुनना चाहेंगे? कोई भी गा दे यार। चल ठीक है, कोई भी गा देता, वही गाना गा देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है। चाहे तुझको,
के भी दिल से ये प्यार न होगा कम, तेरी याद जो आती है मेरे आंसू। जैसे तो कह रहा था फिर मारा क्यों मुझे? श्री देवी जी रहे, उनकी याद आती है तो आंसू आ जाते हैं। क्या लेजेंडरी एक्ट्रेस थी, जो जिंदा हो उसके गाने का थोड़ा मूड तो अच्छा हो जाए। अच्छी सी कोई जॉली मेलोडी धुन गाना, गधा कहेगा। फोन में बजा देता हूं, यही सही रहेगा। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह। गाने के बीच में म्यूजिक क्यों आ रहा है? गाना फोन में बज रहा है ना इसीलिए। अच्छा लगा 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 लगा। सपनों में मेरे तू आई, आँखों में तू छाई, तेरी राह में मेरा दिल ले गई। मेरे सर पे तू छाई। भूमिका, वाह 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 वाह, क्या लड़की थी, वाह 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 वाह, क्या डांस था। अभी तो छोड़ दिया यार, आजकल की लड़कियों में ना मसल नाम की चीज ही नहीं है। उनको गले लगाओ तो लगता है कि खुद को गले लगा लिया। वो क्या बोलती हैं हम नहीं समझते हैं, और हम क्या बोलते हैं वो नहीं समझते। ना नाच ना गाना कुछ भी नहीं आता, और भाषा तो छोड़ ही दो। बेबी फोन छोड़ी, आपकी मुंह की बीड़ी कहां गई? अपडेटेड वर्जन। बालू बोलो बीबी। गो टू माय लाइब्रेरी, सॉन्ग 50। छोटी सी खुशी के मौके पर
एक छोटा सा साइन कर दीजिए और निकल जाएंगे। तो तुम लोग एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो, किसी मकसद से आए हो ना? एक बार इसे पकड़ दो। ओके। धीरे धीरे पी रखी थी इसीलिए सिर्फ थप्पड़ मारा। उतरने के बाद दिख जाएगा तो मार ही देगा। बच गया। एक बार यहाँ से निकल जाए फिर जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखेंगे। बुरा सपना समझ कर भूल जाएंगे। गैरेज में चलते हैं। ये लो पैसे, कार रेडी है। हाँ रेडी है, लेकिन हेडलाइट काम नहीं कर रहा है। रहने तो, अभी तो दिन का टाइम है। अरे ब्रेक भी काम नहीं कर रहा है। यूज नहीं कर रहा। ये हुई ना बात। अरे चाबी तो लो। लो तो। थैंक यू। थैंक यू। अब पीछे मुड़कर देखेंगे ही नहीं। क्या है ये? लगता है किसी का पुतला टूट गया। किसका? अरे ये किसने मेरे पापा का पुतला तोड़ दिया? हिम्मत कैसे वैसा करने की? सत्यम ने मेरे पापा को मारा था और अब उसके आदमी इनके पुतले के पीछे भी पड़े। पकड़ लो इन्हें। एक मिस्टेक है एक्चुअली, जानबूझ कर नहीं किया। सर सर आपको डबल पैसे मिल जाएंगे। अपने पैसे अपनी जेब के अंदर रख। तो फिर आप हमसे क्या चाहते हैं? जल्द से जल्द ये पुतला रिपेयर करवा वरना तेरा सर काट के वहाँ लगा दूंगा मैं। आप ही इन्हें समझाइए, पैसे दे रहे हैं फिर भी नहीं मान रहे। पिताजी अम्बेडकर या गांधी थे क्या? मेरे बड़े भाई थे। मैं सर की कसम खाता हूँ नया पुतला जरूर बनवा दूंगा। सर की नहीं सर, अपने सर की। गलती इन्होंने की है। इसने तो जैसे इंजीनियरिंग की है। पहले गलती इन्होंने की तो सजा तो मिलेगी। अच्छा ऐसा हो गया। मामा तुम ना सिंघम का अजय देवगन मत बनो। मैच नहीं कर रहे। एक यहाँ बात पुतले की है। अच्छा इस पुतले को ना बदकिस्मती का दूसरा रूप कहते हैं। जो भी इसको देखता है उसका काम तमाम हो जाता है। अरे तुम ही तो बोल। साहब जी ये सुनते नहीं है। देख क्या रहे हो, मारो इसे। अगर कोई आगे आया तो इसका हाथ पूरा मरो दूंगा, निकल के नीचे गिर जाएगा। अरे छोड़ो, छोड़ो। मैंने इसे छोड़ दिया, तू इसे छोड़ दे, चल जाने दे। तू मुझे के घर में जाओ। तो मुझे बता देना। हाँ ठीक है, मैं बता। Thank you.
अच्छे से नजर उतरवा लेना, इन कपड़ों में कड़क लग रही हो। सर बेटी तो आ गई पर वो निकल गया। सर ये क्या है सर, लॉयर होते हुए भी क्लैरिटी नहीं है। जब आप कहते हैं कि लड़की वापस आ गई तो आपकी लड़की है पड़ोस की, मेरी बेटी आ गई है, ये है क्लैरिटी। कहाँ से आई है? बाहर से आई है। किसने ड्रॉप किया? रमणा ने ड्रॉप किया, ये है क्लैरिटी। क्या वो अंदर आया था? अब चाय कॉफी नहीं पिलाते है ना, इसलिए वो वहीं से यूटर लेकर निकल गया। अटमोस्ट क्लैरिटी, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना सर। मैं बात किससे कर रहा हूँ? उस क्लैरिटी की मुझे कुछ वेंकट स्वामी जी से। और मैं बात क्यों कर रहा हूँ? रमणा को अरेस्ट करवाने के लिए। ये होती है क्लैरिटी। पर अरेस्ट क्यों करवाना है? वो तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। तू ना जाने तो बेहतर है। कदम गई सब नहीं बोलना चाहिए, फिर मेरे हाथ में जो आएगा वो सब लेके मारूंगा। मुझ पर हाथ उठाएगा? तुझ पर केस है कि तूने वेरा वेंकट स्वामी जी से झगड़ा किया। पार्टी ऑफिस में झगड़ा हुआ? घर पर। बुड्ढे ने माल कितना दिया? ज्यादा जुबान मत चला, पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहा है क्या? रोज आने के लिए तेरी नौकरी कर रहा हूँ क्या? मेरे सामने पीड़ी, हाथ छोड़, चमड़ी उधेड़ दूंगा साले। इसे वर्दी उतारने के लिए बोलो, इसके टांग नहीं थोड़ी ना। तो पता नहीं किसके दम पर इतना भटक रहा है। कौन मैं?
मैं किसी और के दम पे नहीं फुदकता रे, मैं शाहरुख जैसा हूँ बादशाह। चार दिन अंदर डालकर धुलाई करूंगा ना, तब पता चलेगा तुझे। मैं कपड़ा हूँ क्या जो ये मेरी धुलाई करेगा? मुझे भी कोई सरफिरा बेल देने आएगा ना, तब पता चलेगा कि कौन किसको धोएगा। सर, अरे पालू, सरफिरा बोलते ही एकदम टाइमिंग में तू प्रकट हो गया रे। बेल के पेपर सर। तू बेल लाया क्या? यस सर। क्यों रे? वो आपके साथ हुई जर्नी में। जर्नी में मत बोल, इमोशन चला जाएगा। सर, तुम्हारा बॉस केस करता है और तुम बेल करवाते हो, साइड बिजनेस है क्या? साइड बिजनेस के बारे में तो बात ही मत करो सर। पानी ने केस किया क्या? जी हाँ सर। क्या किया मैंने? सारे झूठे इल्जाम है सर। तो चल सब सच करते हैं। जूनियर ने पहला केस ही हारने के लिए ले लिया है। कह रहे गुंटूर मिर्च, सुन, हमारे जैसे बड़े घरों में एक बेटा होना किस्मत है, दूसरा हुआ तो बदकिस्मत, अगर वो तेरे जैसा निकला तो और भी बदतर। सर मैं ये कह रहे बूढ़ा हूँ, भूल जाऊंगा, भूलने दे। आजकल तो लोग घर से अपने माँ बाप को ले जाकर आश्रम में छोड़ रहे हैं, लेकिन तू सिर्फ अपनी माँ से मिलने इतनी दूर से आ गया। वो कागजात दे, देख कागजात इधर है, केस कोर्ट में है। हाँ झूठा केस है, अगर लड़ाई चाहता है तो काउंटर केस डालकर कोर्ट में जा, और शांति चाहता है तो साइन करके घर जा। मनो। जी सर। ये एफआईआर तो नहीं लिखी है ना? हाँ। स्पेलिंग मिस्टेक किए बिना पढ़ा। अगस्त 18, 2023, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन, जुबली हिल्स हैदराबाद। माननीय इंस्पेक्टर साहब, मैं वैरा वेंकट स्वामी विधानसभा का पूर्व सदस्य एवं पूर्व मंत्री हूँ, मेरी उम्र 80 साल है। सर, गुंटूर का रहने वाला बोगी नेनी वेंकट रमणा, सन ऑफ बोगी नेनी सत्यनारायण उर्फ रॉयल सत्या, आज सुबह 10:20 पर मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे हॉल में रखे 85 इंच के स्मार्ट टीवी को सेंटर टेबल पर रखे ऐश ट्रे तोड़कर बर्बाद कर दिया। hey! Hey, hey, क्या कर रही है? Hey! इटालियन मार्बल से बने डाइनिंग टेबल चेयर को बाहर फेंक पड़ता रहा पाने घर से तो तोड़ा, ये साथ ही बेशकीमती फ्रेंच विंडो को भी तोड़ डाला। इटालियन सिल्वर वेयर और चाइनीज क्रॉकरी में रखे खाने के सामान को भी तहस नहस कर दिया। डाइनिंग हॉल में रखे कपड़ों को और उसके अंदर के सामान को भी तोड़ दिया। जब सिक्योरिटी वालों ने रमणा को रोकने की कोशिश की तो उसने सबको बुरी तरह से पीटा। मारा
मेरे रोकने के बावजूद 25 साल पहले बेल्जियम से मंगाई हुई महंगी शैंडलियर को ड्राइंग रूम के लगे लंबे पर्दे से फंसा अरे क्या कर रहा बहुत ही बेरहमी से खींच कर तोड़ रहा कहाँ हुई है तुम्हारी घर पे या गुंडूर की सड़कों पे इससे पूछिए यहाँ क्या करने आया है क्या चाहिए इसे जायदाद पानी से बात करके जो चाहिए वो ले जाए पत्थर पेड़ पे मारा जाए तो फल मिलते हैं कीचड़ में मारने पे गंदगी ही तो फैलेगी इस कचरे को 10 मिनट में साफ करो नहीं तब तक पेट नहीं भरता कहावत है लास्ट लाइन ठीक से पढ़ पाने रायचूर लोकसभा के सदस्यों ने प्यार से जो गोल्डन बॉर्डर वाली फोटो दी थी उसे भी तोड़ दिया इन सब के गवाह बसव राजू सारंग पानी पिए पिया और उनकी बेटी अमुक्ता है निकलते ही भूल गई तुम अपनी जगह सही हो क्यों पूछ रही थी परवरिश के बारे में वो तो उन्हें करनी चाहिए थी लेकिन सर आपने तो कहा था कि आपकी माँ आपसे बहुत खुशी है अभी उन्होंने क्या कहा तूने सुना ना इस कचरे को 10 मिनट में साफ करो पता है कचरा कौन है उन्होंने मुझे कचरा कहा अपने बेटे को और तूने क्या सोचा कि वो सामान की बात कर रही थी मुझे बचपन में ही थप्पड़ मारना चाहिए था अभी घर बुला के बिना बात किए झापड़ मार रही है अरे रमणा तेरी जिंदगी एक चमत्कार है यार मां प्यार नहीं करती बाप याद नहीं करता बाहर से तो फेयर एंड लवली है लेकिन अंदर से अनफेयर एंड लोनली ये भी नहीं जल रही मेरी जिंदगी की तरह
मिलेगा। भाई ये काटा मधु है, कहता है आपके नाना का दुश्मन है। क्या चाहिए इसको? सुना है तुम्हें झूठे केस में फंसाकर तुम्हें मार पीट कर तुम्हारा साइन लिया था ना? ये जंगल है या लोकतंत्र है? उन्हें क्या लगता है कोई सवाल नहीं करेगा? उनके खिलाफ मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। 100 करोड़ क्यों न लग जाएं? असेंबली में मैं तुम्हें बिठाऊंगा। सब कुछ तो सही है बॉस, लेकिन ये सारे लफड़े तुझे कैसे पता? उनके ड्राइवर को हर महीने मैं भी पगार देता हूँ। अच्छा? ए सांबा, इससे जरा दिल से दिल मिलाने का है। या जरा शटर बंद कर। मेरी राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं लग रही है। मुझे सिर्फ मेरी माँ से मिलना था, उनसे जीतना नहीं था। रमणा से मिलते ही मैं भावुक हो गया। वो लड़का बहुत जाबाज है। मैंने कहा तुम्हारी माँ के खिलाफ मैं तुम्हें खड़ा करवाऊंगा, तुम्हारी क्या राय है? उसने तो मुझे गले ही लगा लिया। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। सच में उसने तो मुझे अपना गुरु मान लिया है। उसने मेरे पैर ही पकड़ लिए। मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बस वो तुरंत अपने घर गया और उनके पुराने बक्से में छिपाया हुआ फैमिली फोटो लेकर आ गया। वेंकट स्वामी, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा। तुम्हारा नाती या फिर ये लड़का, अगर हमें राजगोपाल और वेंकट रमणा में से चुनना पड़े तो मैं हमेशा वेंकट रमणा के साथ रहूंगा। बेहतर होगा आप मेरी बात समझे, वरना जनता इसका जवाब जरूर देगी। ये अपने बाप की तरह दरवाजे बंद करके घर पर नहीं बैठेगा, अपने दरवाजे तोड़ के अंदर घुसाएगा, क्योंकि वो रॉयल सत्यम है, पुराना इंजन। ये राउडी रमणा है, 1800 सीसी का नया इंजन। सही है सर, अगर उसने सच बता दिया तो अपनी पार्टी को एक वोट भी नहीं मिलेंगे। वो बिना ब्रेक वाला ट्रक है, उसे कौन रोकेगा? ऐसे यहाँ क्यों आए हैं साहब? सर, ये लोग बहुत जाने माने लोग हैं सर, इसलिए इनसे जरा ध्यान से बात कीजिएगा, प्यार से। मैम, दशहरा तो गया ना, चंदा दे दिया था हमने। छोटी सी बच्ची है सर, प्यार से समझा दूंगा। साहब जी हैदराबाद से आए हैं। चंदा मांगने इतनी दूर से आ रहे हैं? ए, मजाक चल रहा है क्या? क्या फिर से चंदा? और कितनों को चंदा देंगे? अगले साल आना जाओ। ए, मुझे गुस्सा आ गया ना तो घर पर सबको अंदर कर दूंगा। क्या चंदे के लिए करके बता? ये तो रुक रुक जा, क्या लफड़ा है? कोई लफड़ा नहीं है, वेंकट रमणा को हैदराबाद ले जाना है। रास्ता नहीं जानते तो आदमी भेज देंगे, रमणा की क्या जरूरत? कौन है ये लोग? इस घर में सब ऐसे ही बात करते हैं क्या? ध्यान से बात कीजिए, कहा था ना। क्यों रे नारायण, इतने लोगों को क्यों साथ लाया? मेरी याद आ रही थी क्या? तेरे बेल के हिसाब से अगर शहर छोड़ना होगा तो मेरी परमिशन लेनी होगी। तू अपनी मर्जी से घूम रहा है तो तेरी याद तो आएगी ना। अब चुपचाप स्टेशन चल। अगर नहीं आया तो कॉलर से खींच कर ले जाऊंगा। ऐसा कैसे कर सकते? पुलिस है यार, मसल दोगे क्या? छोड़ो। मोहम्मद, आई एम हियर सर, यहाँ। इनसे ध्यान से बात करिएगा, मैंने कहा था आपसे। ए सांबा भाई, ताऊ जी क्या कह रहे हैं? कह रहे थे उसका गला काट देंगे। शाबाश। क्यों नारायण, वेंकट स्वामी ने कॉल किया होगा ना, मुझे लाने के लिए कहा होगा। जाके बोल दे उस बुड्ढे को, रामणा का गला साधारण गला नहीं है, उसमें काफी अकड़ है, छूगे ना तो जला डालेगा। मेरी गन? सीआई की बंदूक से क्या करोगे बे? दिवाली मनाओगे क्या? वापस कर दो। तीर। सर,
भाई को लिया? शायद फोटो की जरूरत पड़े। हार चढ़ाना है क्या? सीआई साहब को जीप में बिठा गया हो। रमड़ा क्या हो रहा है? ये पुलिस क्यों आई है? आपका बेटा मिनिस्टर वसुंधरा जी के घर गया, उनके आदमियों को मारा, उनके घर का सब फर्नीचर तोड़ दिया, पुलिस वालों को अब धमका रहा है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं। तू कोई बड़ा राउडी है या गुंडा? वाह, इतने सालों बाद सत्या जी ने किसी को डांटा है। सूरज पश्चिम से उगा होगा। हो गया, इसलिए तोड़ फोड़ के आया। मैं जाती ना तो सब जला देती, हमेशा के लिए सब खत्म। ये सब सिखाकर इसे तुमने ऐसे बनाया। सुन, अगर साइन करना ही है तो कर दे, लेकिन झगड़ा क्यों किया? छोटा गेस्ट होगा तो मैं क्या करूं, जाके गले लगाऊं या आपकी तरह खिड़की से देखता बैठूं? अगर अपनी पत्नी के लिए देख रहे हैं तो हैदराबाद यहाँ नहीं है, वहां पर है। तो वहां क्या देख रहे हैं बस भगवान जाने। जो कंप्लेंट में लिखा था वही करके आया हूँ। उसने किसी का खून किया है क्या? सबके सामने ये सब कह रहे हो? जी, तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे लिए। गोडाउन के फटने के बाद मैं तुम्हारे फूफा को जेल से बाहर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। हमारी लड़ाई भी की पहले क्या करना चाहिए? गर्म खून था और घमंड में आकर तुम्हारी माँ पर चिल्ला दिया। मैंने कहा कि मुझे पता है कि कब मेरे बेटे का इलाज करवाना है। उसने कहा कि वो तुम्हें ले जाएगी। मैं अपना होश को बैठा और दरवाजा बंद करवा दिया। ये तुम्हारी बुआ भाई की बात नहीं टालती ना, मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल टूट गया और घर छोड़कर चली गई। जब वो कोर्ट आई थी तब भी तुम्हारे बारे में ही पूछा। बुझी, अब उसकी आंख कैसी है? बुझी, डॉक्टर ने कहा कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती, जल्दी लाते तो कुछ हो सकता था। तुम्हारी आंख के जाने के गुस्से में जो खून तुम्हारे फूफा ने किया था उसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उनकी बेटी वापस आ गई, इसीलिए तुम्हारे नाना ने सच नहीं कहा। भाई वापस नहीं आ सकता था, लेकिन उसका दुश्मन जेल जा रहा था, इसलिए मार्क्स ने भी कुछ नहीं कहा। 10 साल तक मैं अंदर था, इसलिए मैं भी उससे नहीं मिल पाया। जो 10 साल मैंने जेल में बिताया, तब यहाँ दरवाजा बंद करने वाला कोई नहीं था। तो फिर वो क्यों नहीं आई? तुम्हें लेके क्यों नहीं गई? वो जाके पूछो ना। वो छोड़कर तुम लड़के आ रहे हो। मैं नहीं जानता कि मेरी समस्या का समाधान क्या है, इसीलिए ऊपर कमरे में बैठकर अकेले बाहर देखता रहता हूँ। लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि समस्या क्या है, इसीलिए तुम भी मेरे जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे इस बात का डर है कि और 4 साल के बाद तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। रमणा, मुझे पता है कि मेरी पत्नी ने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? अरे सुनिए तो सत्या साहब। हेलो सत्या साहब, उन्होंने छोड़ दिया तो मैं क्या करूं? अगर तोड़ा हुआ फर्नीचर वापस करके माँ मुझे क्यों छोड़ दिया बताओ ना माँ, ऐसा कहूंगा तो वो बता देंगी क्या, या मेरा हाथ पकड़ के वापस आने वाली है? कोई गारंटी है क्या? लगा दिया वापस गाना, वो मारेंगी और ये दुखी होंगे, हमें रोने का मौका भी नहीं देंगे। रमणा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अपने बायोपिक के लिए अच्छा टाइटल मिल गया है। खिड़की पर बैठा बाप
दरवाजे बंद करने वाली माँ और मैं एक आवारा बेटा, ये हाथ में लेके क्यों खड़ी हो? आवारा हूँ इसलिए दूर रखा होगा, जाने दो, पूछने की क्या जरूरत है, जो करना है करने दो। लगता है हर किसी की जिंदगी अच्छे से चल रही है, एक सैड सॉन्ग भी ट्रेंड में नहीं है। तू तो चाहती है तेरे लिए हर कोई रोए। हाँ इस पे बनाते, चलो आखिर मिल तो गया। थोड़ा इधर इधर इधर, ये एंगल ठीक है? परफेक्ट। 3, 2, 1। एक इंस्टारियर बनाई उन्होंने शायद आपके लिए। खुद के लाइक्स बढ़ाने के लिए किया होगा, मुझे लाइक कर दिए इसलिए नहीं। की ड्रेस बहुत अच्छी है, कहाँ से खरीदी है आपने? मेरी मरने की बात आगे ले जा। तो बोल दो ना। कोई बेवकूफी तुम्हारे जैसी लड़की को इग्नोर कर सकता है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। चिल, लगता है इसके पास कोई काम नहीं है। एक बार शिरडी के दर्शन करो, फिर सब सही हो जाएगा। कल जब सीआई उसके घर गया था तो उसके बंदूक छीनकर उसे धमकी दी, पुलिस से झगड़ा और उस मधु से मीटिंग। लगता है पुरानी बातों को लेकर बदला ले रहा है। पिछली जिंदगी का जिक्र मत कीजिए बाबा। उस फोटो के बदले तेरे बेटे ने क्या लिया? जो कुछ भी उसने लिया है साइन के एवज में लिया है। एक बार उससे फोन पर बात कर लो और इलेक्शन तक चुप रहने के लिए कह दो। सत्या जी का ग्रामोफोन यहाँ क्यों लाया हो रहा है? ठीक है बजाओ, मैं दिखाता हूँ। एक सेकंड। हेलो,
रेड लाइट जला कर आए हो, उस एरिया में ले जाओगे क्या? समझ गए। खोल। ए, चल नीचे उतर। अरे नीचे उतर जल्दी। सर, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? सर, प्लीज उठ जाइए। सांबा शायद यहाँ नहीं है सर। सांबा सर, बालू हियर सर। सर मैं बालू सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? अम्मू ने मुझे यहाँ भेजा है। अम्मू ने? उसने कहा को भेजा? किसी बब्जी को आपको मारने की सुपारी दी है सर, वो बताने आया तो आपने दारू पिला के मुझे लिटा दिया। किसने? सब कौन है? आपने लॉरियों के लिए नए ड्राइवर बुलाए हैं क्या? सुपारी इन्होंने ली है सर। सुपारी? हाँ। पर क्यों? अम्मू ने यही बताने के लिए मुझे आपके पास भेजा है सर। हम दोनों का तो झगड़ा हो गया ना, तो उसने काहे को भेजा? अरे वो सब मैं नहीं जानता हूँ सर। आपको जान से मारने की सुपारी बब्जी को दी गई है, यही बताने आया था, पर आपने मुझे दारू पिला दी। किसने? सर इसलिए। अरे कोई मुझे मारो, जान से मार दो, कोई मेरी सुपारी ले लो, मुझे जिंदा नहीं रहने, मारो। बचपन में माइक खा लिया होगा इसने, साला। क्या बे, दाढ़ी बनाने आया है क्या? मुझे उसके बाल नहीं उसका सर चाहिए, ले क्या? किसने ली रे? अबे वहाँ बोतल, तुझे मारने की सुपारी मैं नहीं ली थी, मेरा नाम बापजी, जेलेटिन बापजी, काफी ज्यादा कॉस्टली है तू,
1 करोड़ लिए है मैंने, बस इतना याद रखना। अम्मू ने तुझे 1 करोड़ क्यों दिया? एक एक करके क्या हमला कर रहे हो? साथ में करो। कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये रमणा है, नॉट फॉर सेल। ए बालो सर, कौन है रे ये सब? और अम्मू ने इन्हें काय को भेजा? अम्मू इन्हें क्यों भेजेगी, वो पागल हो गई है क्या सर? अम्मू ने मुझे भेजा है। पता नहीं क्यों आप बार बार अम्मू अम्मू कहकर उसका नाम से भेजा रहे हैं। सुपारी तो बाप जी को मिली है और देने वाला वेरा वेंकट स्वामी है, यानी कि आपके नाना। कौन? आपका बुढ़ा खोसर नाना। मेरा नाना? यस। क्या चल रहा है वहाँ पे? तो चुप रहे। वो मुझे क्यों मारना चाहेगा? अजात शत्रु हूँ क्या मैं? अजात शत्रु आप? सर आपको शब्द का मतलब भी पता है? उसे युधिष्ठिर विदुर जैसे महान पुरुष। चुप कर। अबे तू चुप कर। जब भी जाते हो धमकाते हो उन्हें, अपनी अकड़ दिखाते हो तो मारेंगे नहीं क्या, या फिर ऐसे गले लगाएंगे? मेरी तो सिर्फ एक। इसकी दोनों आंखें गई हैं। ये अंधा है क्या? कोई शक? अंधा? कौन है अंधा? बोल बोल ना। क्या नाम बताया था तेरा? एनिया कैन कुछ था ना? जिलेटिन बाबजी है भाई। क्रिश्चियन है क्या? नहीं भाई, हिंदू। तो फिर जिलेटिन क्यों? वो मेरा प्रोफेशन है भाई। खदानों में जिलेटिन स्टिक्स लगाकर ब्लास्ट करता हूँ। वो स्टिक इतनी लंबी होती है क्या? इतनी होती है। वे, मेरा नाना कहाँ है? आपके नाना के बारे में मुझे क्यों पता होगा भाई? चल बोल, कहाँ है वो? सूर्या भाई, भाई को लोकेशन सेंड कर। ऐसे देख रहा है? तू यहाँ क्यों आया? कोई काम है मुझसे? मुझसे काम हो गया ना, तो मुझे मारने के लिए गुंडों को क्यों भेजा? क्या काम मैंने भेजा? है ये क्या बात कर रहा है नारायण? नारायण सर, सर नारायण सर, सॉरी सर, काम पूरा नहीं हुआ। क्या चाचू, तुमने भेजे क्या? अरे इसे मरवाने के लिए तुम्हें किसने कहा? आपने तो कहा था इसका मुंह नहीं खुलना चाहिए। मैंने? ऐसे बंदे का मुंह बंद रखने के लिए उसे मारना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। ए बाप जी। हाँ भाई। एक बार फोन देना रमणा, क्या कर सकते दिखाता हूँ जरा। ये लीजिए भाई। अबे ए भाई, यहाँ आओ। ठीक है भाई। तू फोन किसे कर रहा है? ए कान बंद करो। यहाँ आने से पहले कार्स में माल लगा दिया, फोन में ट्रिगर लगा दिया, आवाज आएगी कार सुड़ेगी और धूल बोनस। तो तू और मधु मिलकर मेरी बेटी का राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दोगे? उस पॉकेट मार से मैं क्यों मिलूंगा? जब वो मेरे पास आया तो जोर लगाया मैंने, जाते जाते मेरा पर्स मार दिया उसने। 5,000 का चूना तू ही दे अभी।
शॉन वेंकटस्वामी, अगली बार आऊंगा तो कार्स को नहीं उड़ाऊंगा, बिल्डिंग समेत तुझे भी उड़ा दूंगा। ए, चलना, मुझे भी लेके चलो भाई। इन्हें पानी की क्या जरूरत, सूखे हुए पौधों को दो ना। वो घर पे नहीं है। लड़की यही है क्या? उसकी माँ है। अंदर आके बैठिए ना। ये वाली है क्या? नहीं, उसकी बहन है। चाय के लिए जान देते हैं ये, इनसे पूछो चाय पियेंगे क्या बालू। उसकी माँ है क्या? नहीं बाप है, उसके गला बैठ गया। देना हमें थैंक्स बोलने की जरूरत है क्या? मुझे जिंदा देके खुश भी नहीं हो रही है। छी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ इसलिए साड़ी पहनकर मंदिर जा रही हूँ। वरना क्या पैंट पहन के जाती क्या? मेरे दिल को कब समझेंगे आप सर? आप हमारे दिल से क्रिकेट और फुटबॉल खेलेंगी, फिर भी हमको समझना होगा। ये क्या टॉर्चर है बालू? मैं क्या जानू बेबी। उसकी बात मत करो बेवकूफ साला। मैंने क्या किया सर? तूने तो कुछ नहीं किया साला, सांप है तू। हम दोनों को कभी साथ में बैठने दिया है क्या तूने? बेबी बेबी करके खींच के ले जाता था गधा कहीं का। साथ बैठू चलेगा या गोद में बैठू? इन्हें यादों से इसे स्कूल लेकर जाता था। क्या हुआ बालू? वो उसे सॉरी कह रही है और ये उसे थैंक्स। लड़की का दिखने में रंग कैसा है? अभी तो शर्म से लाल हो रही होगी। 11, 12, 13 क्या कर रहा है तू? उसके पास क्यों गया था? वो डर गई थी और जाकर वहां से बताने के लिए कहा था। उसने कहा था? नहीं तो ये कहेगी क्या? हे, उससे तुम्हें साइन करवानी थी ना कि मेरी स्पाइंग। ऐसा क्या लगाव हो गया है तुम्हें उससे? जानती हो उसकी माँ ने ही उसे नहीं पहचाना। हाँ, उन्होंने ठीक से देखा नहीं होगा। और वो घर के अंदर क्यों नहीं आया? मैं खुद बाहर गई थी। झगड़े के मूड में था वो, तुम्हारी माँ ने बताया मुझे। वो प्यार ऐसे ही करते हैं। अगर तू ऐसे ही करती रही ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, कह देता हूँ तुझसे। बालू, ये क्या है? अच्छा तो अब तू भी मुझे मरने की धमकी देगी? नहीं, आपके लिए। स्टूल नहीं गिरा तो टेंशन मत लीजिएगा, हम चारों में से कोई गिरा देगा। अरे पागल, तू हमारे पूजनीय वेंकट स्वामी जी को जानती नहीं है। लेकिन मुझे प्यार वेंकट रमणा से हुआ है। बार बार हैदराबाद जा रहा है, पता नहीं क्या है वहाँ। लगता है माँ की बहुत याद आ रही है। बाप बेटे दोनों के दोनों पागल हो रहे हैं। सुन तो, वो कपड़ा लेके आना। 2 दिन पहले ही तो केस ठोककर साइन करवाए थे, अब तो हद ही हो गई है। सीधा गुंडों को भेज दिया। और तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ने का कारण जानने के लिए कहते हैं। जाके उन्हीं से पूछ लो ना, जो सामने है वो नहीं दिखते हैं। कब से बकवास किए जा रही हो? तुमने दरवाजा बंद कर दिया था इसलिए मेरी माँ चली गई। सारी गलती तुम्हारी है। ये सब मैं अपने दिमाग में सोच लूंगा, ऐसा तुमको डर लगता है। किसने बताया तुम्हें? कोई सपना आया क्या? वहाँ जाने का मतलब होता है कि जाके आना, वहाँ बस जाना नहीं। अब तक सोचता था दारू बुरी आदत है, माँ भी बुरी आदत ही होती है। अभी पता चला मुझे, उनका नाम भी मत लेना इस घर में। धीरे बोल, तेरे पापा को बुरा लगेगा। तो लगने दो, हमने सुना कि वो क्यों चली गई, तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। सुनने दो उनको। तो मैं हमेशा वेंकट रमणा के साथ रहूंगा। क्या
देश की कानून मंत्री वसुंधरा का आज ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। जब वो सचिवालय जा रही थी तो उनकी कार ट्रक से टकरा गई। नजदीक के एक्सिस अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें सर पर और कंधे पर चोटें आई हैं। अगली खबर आने तक मीडिया के सामने आएंगी। एक्सेस अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से बात करेंगी। हेल्थ अपडेट के अलावा वो हादसे की वजह के बारे में भी बताएंगी। मंत्री वैरा वसुंधरा का 2 दिन से उस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे शहर से अस्पताल के रिपोर्टर्स पहुंच गए हैं। क्या विपक्ष का हमला था और क्या, उनकी पूरी कोशिश थी कि मैं मारी जाऊं, पर लोगों की दुआओं ने मुझे बचा लिया। आपको कोई फ्रैक्चर भी हुआ है मैम? जस्ट अ शोल्डर इंजरी। काटा मधु ने कहा अपनी ममता को भुलाकर आपने अपने बड़े बेटे को बचपन में छोड़ दिया था। ये इनकी हेल्थ अपडेट्स का प्रेस मीट है। ओ। प्लीज आप इसे डाइवर्ट ना करें। नेक्स्ट। काटा मधु जी ने कहा है कि आपने अपने बड़े बेटे को छोड़ दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैम, हरिदास और मधु के षड्यंत्र का आप बदला लेंगी या फिर उन्हें माफ कर देंगी? के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा सकती हूँ, लेकिन धमकियों के डर से नहीं। काशी में जैसे हम जान से प्यारी चीजों को गंगा को सौंप देते हैं, वैसे ही मैंने अपनी ममता फर्ज को समर्पित की है। किसी भी तरह हमें रमना को वापस लाना होगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। छोड़ दो उसे। मैं ऐसी जिद नहीं कर रही हूँ बाबा। बात यहाँ जिद की नहीं है, तुम्हारे बेटे की है। तुम्हारा बेटा, छोड़ दो उसे। मुश्किल लग रहा है, 10 साल का रिश्ता ना, तो बेटी को छोड़ना मुझे कितना मुश्किल लगा होगा। 25 साल का रिश्ता था मेरा, 10 साल का तुम्हारा रिश्ता प्यार है, लेकिन 25 साल तक जो मैंने किया वो स्वार्थ है। अगर वो स्वार्थ है तो तुम्हारा भी स्वार्थ है, और अगर ये प्यार है तो मेरा भी प्यार है। अगर फिर भी नहीं रुकी तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इस बार गोडाउन के साथ तेरा पति भी जाएगा। पिछली बार की तरह सिर्फ आंख नहीं, पूरा बेटा जाएगा। बाबा? हाँ हाँ, गुंटूर गोडाउन में जली हुई माचिस, फोड़ी गई पेट्रोल बॉटल्स और 5 लाख का खर्चा, उन्हें संभालने वाले मार्क्स की जेब, उसके भाई का खून, सब कुछ, उन सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तेरा बाप है। एक माँ फैसला लेने में गलती कर सकती है, लेकिन जिम्मेदारी के निभाह में गलती नहीं करती। मैम एक मिनट, बस एक सवाल। मैं मधु का आरोप है कि आपने बेटे को अनाथ की तरह छोड़ दिया है, क्या ऐसा ही है? मैं एक माँ हूँ जिससे नहीं पूछा जाता कि उसने बच्चों के लिए क्या किया। बताने पर भी जान नहीं पाओगे, जाना भी तो नहीं समझोगे। एक्सीडेंट हरिदास नहीं करवाया, बस तुम नहीं जानते। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं है। वो ड्राइवर कह देगा कि ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और फिर 6 महीने में बाहर आ जाएगा। ये है हरिदास का दिमाग। उन सब को छोड़कर तुम जैसे लोग मेरे जैसे बुड्ढों के सामने उछलते हैं। दम है तो उससे बोलो कि मैं वसुंधरा का बेटा हूं,
मुझसे लड़। मैं गुड्डू मिर्च जैसा हूँ। ये बहाने मत बनाना कि मेरे पास एड्रेस नहीं है। एक्सीडेंट के बाद आकर देखने से क्या होगा, जिसने कराया उससे मिल। फिर सीना ठोक कर बोलना कि मां मैं तेरा बेटा हूं। मैं ये कर सकता तो बस बैठ कर रो ना। सर, आप उसे बार बार छेड़कर कोई ना कोई मुद्दा बनाकर अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? राजनीति में तो आप तजुर्बे से काम लेते हैं, लेकिन परिवार के मामले में आप इमोशनल क्यों हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। सर, एक कहानी बताता हूँ, उसे तो ध्यान से सुनना। हाँ, सर। किसी ने जाति के नाम पे राजनीति करके एक महल बनाया, लगातार 3 बार जीता, और उसकी बेटी दूसरी जात वाले लड़के से शादी करके निकल गई। लोगों ने कहा कि जो अपनी जात वालों से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाया, वो जात के लिए क्या करेगा, और वो हार गया। उसने सोचा अगर फिर से जीतना है तो बेटी को वापस लाना ही होगा, और वो उसे वापस लाया। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। नारायण, सुनिए, इसे शहर के अस्पताल में लेके जाएंगे तो शायद बच जाएगा। अगर वहाँ पहुँचने के बाद ट्रैफिक में फंस जाओगे तो क्या करोगे? क्या नारायण, मरने दो उसे। फिर अपनी ही जात में बेटी की शादी की और उसे इलेक्शन में खड़ा करवाया। जात वाले से शादी की थी इसीलिए वो जीत गई, मिनिस्टर भी बन गई, और अब वो अपनी जात वाले नाती को एमपी बनाकर पार्लियामेंट में बिठाना चाहता है। ठीक उसी समय में बेटी के फोन में, देखो, पच्चीस साल का कंट्रोल हाथ से फिसल रहा है ना, इसमें इमोशन कहाँ है? ये सब राजनीति ही तो है। पहले कभी देखा नहीं। मैं भी कभी आया नहीं। यहाँ क्यों आया हो? पकौड़े खाने के लिए। तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता क्या? हर जगह कुछ ना कुछ अलग रहता है। यहाँ ऐसा क्या है? हरिदास मेरी तरह पकौड़े बनाता है क्या? मेरी माँ को मारना चाहता है। माँ कौन है तुम्हारी? वेरा वसुंधरा। मेरे नाना ने कहा था कि मेरी माँ को मार देगा और मुझे बैठ के रोना पड़ेगा। तुम बताओ चाचा, मेरी आंखों में आंसू कैसे लगेंगे? तुम्हारे सर पर बाल जितने गंदे लगेंगे ना, उतने ही गंदे लगेंगे। इसलिए उसे मारने आया हूँ यहाँ पर। छुपा नहीं सकता। भैया, कोई आपको जान से मारने आ रहा है। साल से इधर हूँ, चलो दास से मिलाता हूँ। कहते हैं कि चंबल के सब डाकू यहीं पर आकर बस गए थे। चाकू, बम, जो चाहिए मिलेगा। दूसरों को मारने के लिए जो चाहिए सब बेचते हैं, इसी से कमाते हैं। कौन ये बच्चे लोग? तभी तो बिना सोचे समझे सब कुछ कर देते हैं, इसीलिए हरिदास उन्हीं का इस्तेमाल करता है। यही है क्या हरिदास? सिर तो बड़ा है, काट के ले जाऊंगा। हाँ।
बच्चा चाहिए, लेडीज है या राउडीज है? सफाई करने वाले भी धुलाई कर रहे हैं। दास का सिर चाहिए ना तुझे? ए बादशाह जानी खत्री अहमद, इसके पैर गला बाहें सब काट दो, बाद में तय करेंगे कि इसे जलाएं या दफनाएं। उन सबसे पहले थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? अरे छोटू, कभी चोर पुलिस का खेल देखा है क्या? पुलिस का यहाँ आना मना है भैया। खलनायक तो आया है ना? खेल देखेगा क्या? कटा 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 जान से कर दे खड़ी खटिया उसकी, जो भी आया रास्ते रग रग में जो चुपरा आया तेरे वास्ते। क्या हुआ दीदी, ऐसे देख रही हो? जीजा को तो मैं देख लूंगा, आप खाने पर ध्यान दीजिए। मेरी यानी बढ़िया होनी चाहिए, एकदम मस्त। तेज है ये नजर बड़ी मिर्ची जैसी, तीखी तीखी छोला छोला आग का गोला है ये साला सरकी। अरे रे 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 रे। तेज है ये नजर बड़ी मिर्ची जैसी, तीखी तीखी छोला छोला आग का गोला है ये साला सरकी। ऐसे क्यों देख रहे हो? बीड़ी थ्रीडी में दिख गई क्या? सरा 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 तूफा 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 तूफा। अरे अरे आया देखो तूफा। से ठुकवाना, भगवान तो बिजी होंगे लेकिन उनके जो बेटे हैं ना वो ऐसे ही आवारा होते हैं, ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। तुम्हारी माँ को मैं क्यों मारूंगा? मैंने तो सिर्फ धमकाया है, मेरा झगड़ा तो तुम्हारे नाना से है। उठे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो याद करूंगा तो अभी मर जाऊंगा।
मत करो, निकालो इसे बाहर। ओ ओ ओ दीदी रो, अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ? सीधा दिल पे उतरी है, निकाल दोगे तो पानी की तरह इनके खून की नदियां बह जाएंगी। कम से कम सील दो यार। वो सब जानता तो इधर क्यों रहता? एम्स की तरह मेरे गांव में मेरे नाम से रिम्स खोल देता ना। तुम्हें तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। भगवान को छोड़ो, डॉक्टर को बुला दो। इस इलाके के आसपास एक मेडिकल शॉप तक नहीं है। भूल गया था, ए कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। तुम्हारे पास नंबर कहाँ है? सब कुछ खत्म हो गया, तुम जाके तैयार हो जाओ। अरे बालू, मेरे लिए डॉक्टर को ले आए? डॉक्टर को नहीं, इसे ले आया हूँ। किस तूफान को मेरा एड्रेस दे दिया रे? जख्मी मैं हूँ, नर्स उसे क्यों चेक कर रही है? वो नर्स नहीं, उसकी प्रेमिका है। नर्स तो ये कुछ बोली ना। अरे ये किसने किया? आहा, वो महान इंसान है, तुम्हारी जिंदगी बचा ली उसने। स्टैंड डालने की भी जरूरत नहीं है, 98% वॉल्व्स बंद हो गए थे, इसे दिल में घुसाकर सब खोल दिया उसने, बस थोड़ा सा खून चाहिए। बी पॉजिटिव डॉक्टर। मैं तो पॉजिटिव ही हूँ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? अबे वही तो कह रहा हूँ, बी पॉजिटिव है। लेकिन खून कौन देगा? अरे देखो कौन देगा खून? हमारी बॉडी में खून है कहाँ भाई, नसों में शराब दौड़ रही है। तो जलाने से पहले कील निकालनी होगी। क्यों दे रहे हो? अरे कोई तो खून दो यार। मारने वाला खुद बचा रहा है, मारे प्रभु तेरी लीला। ये सब बातें छोड़ो, नाना से क्या दुश्मनी है? 25 साल पहले हमने मिलकर धंधा किया था, धंधा डबल प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन हिस्सा कैसे करे? कैसे करे मतलब, आधे आधे कर लेते। आइडिया उसका था तो उसने 10% ज्यादा मांगा। तो सही है ना, 40% तो मिले होंगे ना। गुडविल भी उसका ही था तो 10% और ज्यादा ले लिया। ठीक है, 30% तो दे दिया। अगली बार सप्लाई करनी थी तो उसके लिए 10% और ज्यादा ले लिए। गलत हो गया, उस 20% का क्या? कहा कि एक ही बार दूंगा तो खर्च हो जाएगा, इसीलिए दो हिस्से में दूंगा। अच्छी बात है, उस 10% का क्या? मुझे सिर्फ 5% ही दिया। जब बाकी का पूछा तो कहा कि गुंडों के साथ धंधा नहीं करना चाहिए और मुझे भगा दिया। आधा हिस्सा दिखा के अधनंगा कर दिया। तब भी मुझे उतना दुख नहीं हुआ, लेकिन चलते वक्त क्या दिया पता है? देखो ये दिया मुझे। जानता था कि ये कमीना है, लेकिन इतना बड़ा कमीना है। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे, एक फोन लगाओ पहुंच जाऊंगा। रुको, खून देकर कल्टी ले रहे हो? ऐसा ही जाने देंगे? बिना पार्टी के नहीं जाने दूंगा। ए, अपने रमोला बैच को बुलाओ। अच्छा सुनो, जरा पानी तो देना। रंगभूमि को प्रणाम, सारे रसिकों सुस्वागतम। ऐसी ये शाम है, सुरमई शाम है, ठंडी पवन है गुदगुदाती। देखो कैसे थाट से बैठा है दास बाबा, जैसे कोई राजा सिंहासन पे है बैठा। रमोला डांसिंग पार्टी पेश करती है तड़कता फड़कता जलवा। अरे रमोला, इस लड़की को भी साड़ी पहनाओ। देखी देखी नजरें मत भरी, जैसे हुस्न की ये लाई टुकरी।
ऐसे क्या देख रहे हो? यहाँ सब दुख के लिरिक्स राइटर्स हैं। लिख लो और लपेट के गा लो। मेरा कोई बेटा नहीं है।
आप माने या ना माने, आपका एक ही वारिस है। भोगी नैनी मेरा वेंकट रमणा। वही है आपका असली वारिस। ज्यादा पीली है क्या? मैं ठीक हूं, ठीक। 25 साल पहले तुम्हारी बेटी ने दूसरी जात वाले से शादी कर ली, फिर उसकी शादी तुमने मुझसे कराई, और अगले चुनाव से पहले तुमने अपना खेल खेला। अब जब तुम्हारा नाती राजनीति में कदम रख रहा है, तब तुम्हारी बेटी खेल खेल रही है। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी ने मुझे कोई हीरो समझकर मुझसे शादी नहीं की है, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए की है। हम दोनों का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर में है ना, लकीली तुम ऊपर नहीं चढ़ सकते हो। अगर चढ़ पाते तो देखते, हम दोनों का बेड अलग है, बीच में इतनी जगह है कि बैडमिंटन खेल सकते हैं, इतना फासला है। इसका बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? जैसे ये बात तुम्हारे दिमाग में आई ना, उसने कहा वो पेट से, फिर उसने कहा यहाँ अच्छा नहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलिया जाती हूँ, वहाँ रानी मासी के घर रहूंगी। वहाँ पहुँचने के बाद उसने कहा उनको तकलीफ क्यों देनी है, मैं अलग रह लूंगी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो क्या तुमने कोई उसकी फोटो देखी है? नहीं, मुझे पता था। वो इसे लेकर आई, तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया, उसके साथ खेले, उसके रोने को म्यूजिक कहा और उसके पेशाब को परफ्यूम। तुम्हें लगा मेरे नाम से उसे वोट नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उसका नाम तुमने वैराराज गोपाल रख दिया। आज उसे एमपी बना रहे हो, सब अच्छा रहा तो उसे पीएम भी बना दोगे। पर ये तो तुम्हारी बेटी का बेटा है ही नहीं, तो अब क्या करोगे? तुम्हारी बेटी में तुम्हारा अहंकार नहीं है, है? बिल्कुल नहीं। पति को अंदर करवा दिया, 25% भरोसा गया, मुझसे शादी की 50% भरोसा गया, कहा कि वो तुम्हारा वारिस है 75% भरोसा गया, सगे बेटे को छोड़ दिया, तुम तो पूरा ही फ्लैट हो गए। उसने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वाह, मामूली इंसान नहीं है तुम्हारी बेटी। तुम्हारे जैसे 10 लोगों को भी वो एक साथ बेवकूफ बना सकती है। ये बात तूने पहले, वैसे 70 साल जीने के बाद ना, तुम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए, जीना ही नहीं चाहिए। सच बोल रहा हूँ, वही सबके लिए बेहतर होगा। हाँ, तुम मर जाओ, मेरी बात समझ। नाना जी, गुस्सा मत कीजिए। किसे नाना बुला रहा है? मैं तेरा नाना हूँ। नहीं, क्या मेरे पीठ के पीछे ये सब चल रहा है? मार डालूंगा। वही है ना असली खिलाड़ी, पहले उसी को मार देना चाहिए। इस हिसाब से तुझे तो 100 बार मारना चाहिए। रोक नहीं पाया सर। तू कब आया? चोर की तरह चुपके से घुसा क्या? तेरी याद आ गई तो तुझसे बात करने आ गया। मुझे भी करनी है बात। आ, करते हैं बात। ए, उसी तेरे। आ, लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात करते हैं, हम तेरी माँ के अतीत के बारे में बात कर रहे हैं। तेरी माँ मंदिर की देवी है क्या? बार बार बिल्ले आ जाता है, चुड़ैल है वो। अच्छा, एक्सीडेंट क्यों करवाया? कौन सा एक्सीडेंट? माँ की गाड़ी की लॉरी से जो टक्कर मरवाई थी। थोड़ा पानी लाकर दे। वही एक्सीडेंट। हरिदास से जाकर पूछ। ग्लास दे दे दासु। ऐसे क्या देख रहा है? ये अपना ही दास है, वो पानी से तेरे पाप नहीं धुलने वाला है। लॉरी किसकी थी?
कमीनों की कमी है क्या? उस काटा मधु ने करवाया होगा। अबे गिर जाएगा, बैठ जाओ। सेफ्टी के लिए उसको भी लेके आ गया। ये मत बोलना कि उसने ठोका है, वो खुद ही हर चीज से टकरा रहा है। क्यों करवाया नाना? तीन बार जीतने के बाद चौथी बार जीतना आसान नहीं है, कोई चमत्कार होना चाहिए ना। छोटा सा मर्डर अटेम्प्ट करवा दिया, सिंपथी क्रिएट हो गई। जाके सर्वे देख ले, बोल रहे हैं कि वही जीतेगी। वैसे भी क्या हुआ उसे, मर नहीं गई ना? अरे अरे छोड़ दो, और थोड़ा जोर दूंगा ना तो सर्वे करवाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपति के दम पर जरूर जीतेगी वो। जैसे ही तुम्हें पता चला कि वो तुम्हारा नाता नहीं है, तुम उस पर चिल्ला रहे हो। उस इंसान को 30 साल से अपने दिल में बसा के बड़ा किया। भाई मैं तुझसे जलता नहीं हूँ, बुरा मत मानना। उनका धोखा है और तुम्हारा त्याग, उन्होंने कितने त्याग किए गिनाओ भी, तू जी नहीं पाएगा। बिना मतलब की शादी, झूठा रिश्ता, नकली बेटा, जबरदस्ती की मिनिस्ट्री, ये सब किसके लिए? रमणा राजा की तरह रहे इसलिए? तभी समझ नहीं पाया, बेवकूफ हूं ना। गलती से भी तूने सच ही कहा, वो देवी है, वो जार है, वो मंदिर है। कल को अगर वो कहीं पे चली गई ना तो प्रसाद को तो छोड़ ही दे, तुझे देखने भी कोई नहीं आने वाला। जब तेरे दिल में इतना ही प्यार है तो लड़ने क्यों आया? रमणा प्यार भी गुस्से से करता है क्या? राजा, सब कुछ तो तूने कर दिया, अब और क्या बचा है? मैंने क्या किया है बाबा? मैंने गोदाम जलाए हैं या कत्ल करवाए हैं? इसकी भलाई ही तो चाहिए थी, ये अपराध है क्या? मेरी मौत का असर इलेक्शन पर कैसा होगा ये तो पता कर लिया होगा। आपको छोड़ गई तो क्या होगा पता कर लीजिएगा। कहाँ जाएगी? अगर जाएगी तो उस घर में एक एक को जान से मार डालूंगा। इसे देखकर भी मुझे धमका रहे हैं आप? पहले तो ये आपके घुटनों तक आता था, लेकिन आज आपको घुटनों पर ला सकता है। क्या है ये, तू भी इसकी तरह बात कर रही है? मैं इसकी तरह बात नहीं कर रही बाबा, बल्कि ये मेरी तरह बात करता है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। बेटा, तुझे तो मैं दोबारा कह सकती हैं? तू मेरा बेटा है। इतने सालों से क्यों नहीं कहा? जज्बात अल्फाजों के मोहताज नहीं होते बेटा। घर से बाहर कर दिया, ऊपर से तुझे निहारा था, थप्पड़ क्यों मारा था? तुझे छूना जो चाहती थी। अस्पताल में कहा कि मैं पसंद नहीं हूं। पहले अपनी प्यारी चीजों का जिक्र भी तो किया था। किससे पहले? अरे बेटा, बचपन में खाने के लिए सताता था, अब बात करने को भी सताएगा क्या? माँ को बेटे से सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। बाप रे वेंकट स्वामी, इनसे बात करने के लिए और 25 साल भी इंतजार कर लूंगा। इनकी बातें सिर्फ मेरे कान नहीं, पूरा शरीर सुन रहा है। इनसे कोई बात नहीं करनी, चल।
क्या हुआ? आपसे मिलने के बाद झगड़ा करना चाहता था, लेकिन आपने छुआ और सब भूल गया। क्या हुआ? कितना सुंदर है तू, ये दाढ़ी तो रखी है? ये क्या? हेलो फेलियर। ए, कौन है वो? आप ही तो है। यहाँ कब आए रे तू? दरवाजा बंद करने का दुख था ना तुम्हें, अब तो तुम ही ने खोल दिया, हिसाब बराबर हो गया। ए सांबा भाई, आपने बायोपिक का टाइटल बदल गया है, रमणा है रिबेल और उसकी माए है डबल। सुनिए, वेंकट स्वामी का कॉल आ रहा है। फोन काट करके ब्लॉक कर। इतने सालों से गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो? कल से घोड़ों को ही तैयार करूंगा। मेरा क्षेत्रनाथ नहीं होना चाहिए, मुझे रमणा चाहिए।
वो नहीं आएगा। क्या करने पर वो आएगा? पापा जी, त्योहार पर घर को पत्तों से सजाते हैं, मंगल है इसीलिए। उसके बाद एक हफ्ते में वो सूख जाते हैं और उसकी अजीब सी आवाज से हमें चिढ़ मचती है। बाहर फेंक नहीं सकते क्योंकि सेंटिमेंट है। आप भी ऐसे ही, फेंकने से पाप लगेगा लेकिन रखना खतरा है, इस बात को यही छोड़ दो। वो घर पे नहीं है। हाँ पता है। वाओ, हाय सर। क्या रे सर, शॉपिंग किया क्या? यस सर। खरीदा या सिलवाया? रेडीमेड है सर। चली क्या? कहाँ जा रहे सर? क्यों, तुझसे मतलब? वापस कब तक आ जाएंगे? कल शाम तक आ जाएंगे। शाम तक आ जाएंगे? मैं पानी सर से क्या कहूँगा? कह देना कि भाग गए। इन्हीं हाथों से स्कूल लेकर गया था तुम्हें, इन्हीं हाथों से। उन्हीं हाथों से मंडप पे लेके आना। आराम से जाएगा सर, तुम्हारी साड़ी। तू ना होता ना बालू सर, तो पहले ही दिन इसे जीप में बिठा के गुंटूर लेके जाता। पहले ही दिन। अभी वही तो करे सर,